अर्जुन मलाइका पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में हैं। दोनों ने साल 2019 में अर्जुन कपूर के बर्थडे पर एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था। इसके बाद से ही दोनों रोमांटिक डेट और वेकेशन पर नजर आते रहे हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि दोनों 2023 में शादी कर सकते हैं, हालांकि कपल की तरफ से इस पर किसी भी तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा सालों से रिलेशनशिप में हैं। दोनों के बीच उम्र में अंतर होने के कारण अक्सर कपल को ट्रोल किया जाता है। सोशल मीडिया पर कई बार लोग मलाइका के प्रेग्नेंट होने की खबरों को भी हवा देते हैं। पिछले साल नवंबर में भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई थीं, जिस पर अर्जुन कपूर ने नाराजगी जाहिर करते हुए मीडिया पर गुस्सा निकाला था। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अर्जुन ने फिर इस मुद्दे पर बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऐसी अफवाहों का असर उन पर कितना खराब पड़ता है। बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा, निगेटिविटी फैलाना बहुत आसान है। कई बार एक जैसी बातें सामने आती हैं, तो लोग उस पर यकीन भी करने लगते हैं। देखिए, हम लोग भी इंसान हैं और हमारी पर्सनल लाइफ है, जो काफी हद तक प्राइवेट नहीं रह पाती है। हमें पता है कि जिस प्रोफेशन में हम हैं, वहां ऐसी अफवाहों का फैलना आम बात है। अर्जुन ने आगे कहा, हम काफी हद तक मीडिया पर डिपेंड रहते हैं कि हमारी बातें किस तरह आम लोगों तक पहुंच रही है। हम यह चाहते हैं कि आप लोग तभी यह समझें कि हम भी इंसान हैं, इसलिए कुछ भी लिखने से पहले एक बार हमसे कंफर्म जरूर कर लिया करें। आपको कम से कम इतना जरूर करना चाहिए, और मैंने भी उस समय कुछ ऐसा ही रिएक्ट किया था। उस खबर को एक बार चेक करना बहुत जरूरी था। खुद की मर्जी से खबर नहीं लिख देनी चाहिए। हालिया पोस्ट के बारे में बात करते हुए अर्जुन ने आगे कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आप सभी पत्रकारों पर भरोसा करता हूँ। मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं है, मैं कभी पीछे नहीं हटा। जब ऐसी बातें सच नहीं होती हैं तो मुझे खुद को सही ठहराना पड़ता है। किसी भी पत्रकार की जानकारी को कंफर्म किया जाना चाहिए। ऐसी खबरों को लापरवाही से नहीं रखा जाना चाहिए थे, खासकर जब यह आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो। हम सब यहाँ अपना काम करने के लिए आए हैं, इसे दूसरे लोगों की लाइफ से जोड़कर मौज मस्ती करने का जरिया न बनाएं।